थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है वो होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल एडसेंस पिन कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो चीज बताने वाला हूँ, टाइप करके दिखाने वाला हूँ आपको हर एक चीज। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना। दोस्तों बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने घर से दूर रहते हैं, जहां पे उनका परमानेंट एड्रेस होता है वहां से वो दूर रहते हैं कहीं और किराए के ऊपर, ठीक है, या फिर शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए तो वो वहां से काम करते हैं। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में इस सवाल का आंसर मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से काम करते हैं लेकिन उनको कौन सा एड्रेस भरना चाहिए, गूगल पिन को अप्लाई करते टाइम उनको कौन सा एड्रेस है वो फिल करना चाहिए, जहां पे वो घर पे परमानेंट जहां पे रहते हैं वो वाला एड्रेस फिल करना चाहिए, या फिर अभी जहां पे किराए पे रहते हैं वो वाला एड्रेस फिल करना चाहिए। इसकी वीडियो के अंदर ये जो आपका डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सा एड्रेस आपको फिल करना है, सेंट्रल लोकेशन के ऊपर रहते हो वो वाला, जहां फिर आपका परमानेंटली एड्रेस। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कैसे गूगल पिन अप्लाई करना है हर एक चीज जानकारी मैं बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको आगे चीजें बताऊं तो यहां पे दोस्तों आपको गूगल पिन अप्लाई करने के लिए चार चीजों की नीड है वो पढ़ने वाली है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनमें से किसी एक की बहुत ही अच्छे से पिक्चर को क्लिक कर लेना है, साइडों से क्रॉप कर लेना है, बैकग्राउंड कोई भी दिखना नहीं चाहिए, ओके। तो जब आप पिक्चर अच्छे से क्लिक कर लेते हो अपने पैन कार्ड की या फिर वोटर आईडी कार्ड की, आपके पासपोर्ट की या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, तो अच्छे से क्रॉप कर लेनी है। क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पिन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी वो अभी हम जाके सीखते हैं। तो चलते सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आ चुका हूँ एडसेंस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाके दिखाता हूँ कि मेरा यूट्यूब स्टूडियो है तो यहाँ पे भी एडसेंस कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। मैं फिर से आ जाता हूँ अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर। एडसेंस अकाउंट के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे सबसे ऊपर ही मुझे रेड के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है, ओके। दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन के, आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड करी गई है और अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे मेरी पेमेंट है वो ये दिख रही है, लेकिन मेरे यूट्यूब स्टूडियो ऐप के अंदर $10 कंप्लीट हो चुके हैं। एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर ओके करना है। फिर देन यहाँ पे आपको अर्निंग दिख जाएगी। फिर यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई नाउ, इसके ऊपर ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके कर लेते हो तो आपको क्या है कि एक इस तरह का पेज है वो खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये चीज़ आपको अपलोड करनी है किसी भी एक आईडी के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ इसके ऊपर ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आईडी आप भर रहे हो, जैसे मैं पैन कार्ड भर रहा हूँ तो मेरा जो पैन कार्ड के ऊपर नाम है वो चीज़ मुझे यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे जो भी आईडी आप अपलोड करना चाहते हो, यहाँ से मैंने पैन कार्ड और पैन कार्ड मैंने दोनों यहाँ पे फोटो है वो अपलोड कर दी, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों मैंने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले से क्लिक करके रखी थी और देन यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट नाउ, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे सबमिट नाउ, इसके ऊपर ओके करूँगा। जैसे इसके ऊपर ओके किया तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ऑप्शन है वो खुल के आ जाता है, जहाँ पे मुझे एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे कौन सा एड्रेस बनना है परमानेंट, जहाँ फिर मुझे जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ। तो आपको जो भी आपके आईडी के ऊपर एड्रेस होगा, जब आपने आईडी बनाई होगी, पैन कार्ड बनाया होगा या फिर आपके पासपोर्ट जब आपने बनाया होगा, तब जो एड्रेस आपने भरा होगा तो वही एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ओके। जो आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके आईडी के ऊपर होगा वो फिल करने के बाद मैंने जैसे नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन है वो आ जाता है, वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कि जो वेरिफिकेशन है वो अभी जो आईडी हमने फिल करी है यहाँ पे अप्लाई किया है एड्रेस, तो वो अभी वेरिफिकेशन के अंदर चला गया है, ओके। तो इस तरह का आपके सामने पेज है वो खुल के आ जाएगा, तो 2 से 3 दिन के अंदर ये वेरीफाई है वो हो जाएगा, ओके। जब ये 2 से 3 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं है कि ये 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने भरा था अभी के टाइम के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा आईडी वो वेरीफिकेशन हो चुका है, मेरी आईडी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरे घर जो मैंने एड्रेस वहाँ पे फिल किया था वहाँ पे मुझे 6 डिजिट का अभी पिन कोड है वो मेरे घर पे ऊपर आएगा, जो मैंने एड्रेस वहाँ पे फिल किया है उस एड्रेस के ऊपर आएगा। उस एड्रेस के ऊपर जैसे गूगल पिन मुझे आएगा, देन उसको मैं यहाँ पे भर के देन सबमिट कर दूंगा, तो मेरा जो ईमेल आईडी एड्रेस है जो फिर मेरा जो एड्रेस है, ओके, वो मेरा कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से क्या करना है, आपने भी अपने गूगल पिन को मंगाने के लिए ये चीज़ें फिल करनी है, एक आईडी अपलोड करनी है, आईडी के ऊपर जो एड्रेस है आपका वही चीज़ आपने अपलोड करना है, और देन जैसे आप अपलोड करोगे तो आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी और देन आपने जो आईडी वहां पे फिल करी है
उसी के ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया है उसके ऊपर आपको गूगल पिन आपके एड्रेस पोस्ट किया जाएगा। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे और देन जैसे आप अपलोड कर दोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई पिन जो आपको मिलेगा वो आपने फिल कर देना है और देन सबमिट कर देना है, तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और देन फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल भरने के लिए आपके ऑप्शन है वो मिल जाएगा। देन आपने जिस भी बैंक अकाउंट्स के अंदर आप पैसा लेना चाहते हो वो चीज़ आपने फिल करनी है, तो वो भी चीज़ मैं वीडियो आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, तो इसी तरह से आप अपने गूगल पिन को अप्लाई कर सकते हो।